नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवारी। इस वक्त सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर की बात। प्रशासनिक सर्जरी हुई है, वो भी देर रात को। 18 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 5 जिला कलेक्टर और 4 संभाग आयुक्त के भी तबादले हुए हैं। भोपाल कमिश्नर माल सिंह भड़ाविया इंदौर संभाग आयुक्त होंगे। इंदौर कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा को भोपाल कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली है। संजय गोयल को उज्जैन संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। नर्मदापुरम के संभाग आयुक्त श्रीमन शुक्ला कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक बने हैं। गुना भिंड पन्ना उमरिया छिंदवाड़ा के कलेक्टरों का भी ट्रांसफर किया गया है। तरुण राठी को कलेक्टर गुना बनाया गया। हरजिंदर सिंह पन्ना के अब नए कलेक्टर होंगे। संजीव श्रीवास्तव को भिंड कलेक्टर बनाया गया। मनोज पुष्प को छिंदवाड़ा कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई। बुद्धेश कुमार वैद्य उमरिया कलेक्टर होंगे। प्रशासनिक सर्जरी देर रात की गई है और बता दें आपको, देर रात ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। 18 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 5 जिला कलेक्टर और 4 संभाग आयुक्त के भी तबादले किए गए हैं। भोपाल के कमिश्नर माल सिंह भड़ाविया इंदौर संभाग आयुक्त होंगे। पवन कुमार शर्मा को भोपाल का कमिश्नर बनाया गया है। संजय गोयल को उज्जैन संभाग का कमिश्नर बनाया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 18 पद जो हैं, पद पर जो तैनात थे अधिकारी, उनके ट्रांसफर किए गए हैं। देर रात ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 5 जिला कलेक्टर और 4 संभाग आयुक्त के भी तबादले किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है, वो भी देर रात हुई है, किस तरह के संकेत? देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में देखा गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो राज्य सेवा के हों, चाहे आईएएस आईपीएस स्तर के जो अधिकारी हैं, लगातार जो ट्रांसफर का काम है जो वो लगातार चल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनाव आयोग की भी कुछ गाइडलाइंस होती है कि जो अफसर लंबे समय से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं तो उनके तबादले जो है वो किया जाना जरूरी होता है। और इसके अलावा देखिये, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, चुनावी राज्य भी है, और अलग अलग अफसरों की कैपेबिलिटी के हिसाब से और उनकी आवश्यकता के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से भी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थाओं का बेहतर रूप से क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पे जो है वो पोस्टिंग की जाती है। तो ये पूरा जो एक तबादलों का एक जो लिस्ट जो है कल रात जारी हुई है, इसे सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार की तमाम सारी योजनाएं चल रही है, जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, उनका लाभ बेहतर रूप से जनता तक पहुंचे और एक बेहतर प्रशासनिक बावट के तौर पर इस पूरी जो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम है वो किया गया है। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि गुड गवर्नेंस की स्थिति जो है वो लगातार बनी रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूरी होता है कि बदलाव किए जाएं, क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल एक सिस्टम के तौर पर काम करता है और यही एक कारण है कि लगातार अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जाता है ताकि वो अपने पहले के अनुभवों को नई जगह पर साझा कर सकें और नए इनोवेशन वहां पर हों। हालांकि देखिए, जब इस तरीके के जो ट्रांसफर पोस्टिंग चुनावी साल में होते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर सियासत भी होती है, पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अपने आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि बेहतर जो सुविधाएं हैं जनता को मुहैया कराने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं वो होती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु, जानकारी को साझा करने के लिए।